लेकिन बाहर लाने के लिए उनको पीछे वाले दरवाजे का इस्तेमाल किया गया, और जैसे ही उनको बाहर के गेट पीछे वाले दरवाजे से लेके जा रहे थे, अंदर जो वकील थे वो दौड़ के आए और तमाम जो लोग थे उन तक मैसेज पहुंचाया कि उनको पीछे वाले गेट से ले जा रहे हैं। और हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो बाहर यहाँ पे युवा खड़े हैं वो दौड़ के गए, लेकिन पुलिस को ये अंदेशा था कि जैसे ही उनको पता चलेगा कि पीछे से गेट के लेके जा रहे हैं, तो उससे पहले एक पुलिस ने बड़ी सी चेन बना रखी थी ताकि कोई भी लोग जो है आक्रोशित भीड़ जो है अगर वो आगे बढ़े तो उसको रोका जा सके। यही कारण है कि आरोपियों को सुरक्षित यहाँ से निकाला जा सका। अगर उनको मुख्य द्वार से बाहर लाया जा सकता तो एक बड़ी अनहोनी, यहाँ से उनको जेल ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ से उनको जेल ले जाया जाएगा, लेकिन संभवतः उससे पहले उनके एक मेडिकल जो प्रोसेस जो होता है वो की जांच और वो सारी चीज़ें यहाँ पर निभाई जाएगी। इसके अलावा ट्रांजिट रिमांड क्या इन 14 दिन के भीतर भी NIA एजेंसी है वो ले सकती है क्या? वहाँ अपनी कोर्ट में वो अपील करके इनको अपने साथ जाँच के लिए दिल्ली ले जा सकती है, कुछ इस तरह का कदम उठाने की NIA विचार कर रही है अभी? जी बिल्कुल, देखिए जो अब तक जांच में जो सामने आया होगा उसको उससे जो आतंकी संगठन है और फिर विदेशों पाकिस्तान से भी तार जुड़े हुए, ये तमाम सबूत NIA के लिए जो है कोर्ट से इनको अपने कस्टडी में लेने के लिए पर्याप्त है। एक प्रोसेस होता है, NIA अपनी कोर्ट के अंदर उनको कस्टडी में लेने के लिए एप्लीकेशन दाखिल करेगी, और उसके बाद संभावना यही है कि उसमें 3 से 4 दिन या जो भी समय लगे वो समय पूरा होने के बाद 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी से पहले ही यहाँ पे एक उनको ट्रांजिट रिमांड पे लेने के लिए एक एप्लीकेशन दायर की जा सके, और फिर उनको कोर्ट में पेश करके और NIA अपने कस्टडी में लेके आगे जाएगी, और संभवतया फिर ये पूरी प्रोसेस जो है वो NIA के अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करें और उस कड़ी को कड़ी से जोड़े। वो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या सूचना मिल रही है? जो अन्य लोग हिरासत में लिए गए हैं उनमें भी किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? क्योंकि एक दिन से ज़्यादा आप हिरासत में भी नहीं रख सकते। तो एक दिन पहले हम बात कर रहे थे कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, और कुछ गिरफ्तारियाँ होनी, अभी क्या पुलिस प्रयास कर रही है और लोगों को गिरफ्तार किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए कुल 6 लोगों को हिरासत में लेने की जानकारी जो वो हम लगातार दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। 4 लोग वो है जिन्होंने प्रारंभिक तौर पर इनमें जो है इनका सहयोग किया था हत्या में, उनमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को शो नहीं किया गया। शो मोहम्मद रियाज और मोहम्मद घोष की गिरफ्तारी को कल रात को 11:40 के आसपास उनको गिरफ्तारी शो किया, तो संभवतया अब जो 4 लोग बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी शो की जाएगी। साथ ही साथ जो आज SK इंजीनियरिंग पे NIA की टीम ने जो छापा मारा है उसको वहाँ से अगर कुछ लोगों को हिरासत में लेने की सूचना है, चाहे वहाँ का जो संचालक शोएब हो उसको अगर हिरासत में लिया, तो संभवतया आज रात को या कल कुछ लोगों की गिरफ्तारी शो हो सकती है ताकि उनको 24 घंटे पूछताछ का समय मिले, और उसके बाद उन लोगों को रिमांड पे लेके उनका और नेटवर्क कहाँ कहाँ रहा है उसको खंगाला जा सकता है। लेकिन है कि अब जो हिरासत में है उनका शो जो है वो SIT की टीम अब करेगी, ताकि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था सारा फोकस मोहम्मद रियाज और मोहम्मद घोष के पूछताछ का था, और इस दौरान हम देखें कि NIA की टीम और SIA की टीम उस जगह पे भी गई थी जहाँ पे कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, और करीब 3 से 4 घंटे तक टीम के अधिकारी वहाँ पर रहे, हर छोटे से छोटा साक्ष्य जो है वो उन्होंने जुटाया। भले कैमरे के ऊपर अधिकारी कुछ नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है आरोपियों को सजा दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और छोटे लीकेज जो होते हैं वो कई बार आरोपी जो होता है उसको एक बड़ा फायदा दे सकता है। छोटी से छोटी चीज़ पुलिस इसलिए भी यहाँ पर जमा करती नजर आती है कि जब कोर्ट में जाकर के साक्ष्य जमा पेश किए जाएं तो वहाँ किसी भी तरह से अपराधियों के जो वकील हैं वो ऐसे साक्ष्य जमा ना करें कि उनकी जो सजा मिलने वाली है उसमें कुछ कमी रह जाए। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि इनको फांसी की सजा हो, और इस तरह के वीडियो सामने आया, पुलिस खुद जानती है कि किस तरह का जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है। पुलिस की भी कोशिश रहेगी कड़ी से कड़ी सजा इसमें, बिल्कुल पुलिस की कोशिश होगी शरद, और कहीं ना कहीं इसी दिशा में बढ़ते भी तमाम चीजें दिख रही है। शरद, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा क्योंकि आज जिस तरह से अब पेशी भी हो गई, न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, इससे पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने खुद ये अपील की कि फास्ट ट्रैक में मामला चलाया जाए। NIA से उन्होंने अपील की कि जल्द से जल्द जो है इस पूरे मामले को जन भावनाओं को देखते हुए जो है दोषियों को फांसी देना चाहिए। तो क्या लगता है कि इन तमाम अपीलों का असर लोगों अभी भी हम देख रहे हैं कितनी नारेबाजियां हो रही हैं, तो जैसे ही न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा कल से NIA एक्टिव हो जाएगी और कोशिश यही होगी कि फास्ट ट्रैक के जरिए या कैसे भी जल्द से जल्द इस मामले में मकाम तक पहुंचे।
देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब आज दिन में कहा था, जब हम मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी कि आगे की जो इसमें जांच होगी वो NIA करेगी। इस मामले में लगातार उनसे ये पूछा जा रहा था कि राजस्थान पुलिस की क्या इसमें कोई गलती रही है, क्या कोई चूक रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते नजर आ रहे थे कि अगर कोई चूक रही है उसकी जाँच भी NIA कर लेगी। जो उनके संकेत थे वो उसी वक्त बता रहे थे कि इन अपराधियों को अब जो यहाँ की राजस्थान पुलिस है वो शायद न्यायिक अभिरक्षा में ही भिजवाए, उनकी ओर से किसी भी तरह का रिमांड नहीं मांगा जाएगा। तो उसके बाद में न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद में जो NIA एजेंसी है वो ट्रांजिट रिमांड पर ले लेगी और उसके बाद में वो आगे की पूछताछ करेगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अविनाश हमारे साथ में मौजूद है। अविनाश, क्या लग रहा है, गहलोत साहब से जब हमारी बात हो रही थी दिन में तो वो खुद NIA का लगातार जिक्र कर रहे थे, फास्ट ट्रैक में इस मामले को चलाने की बात कह रहे थे, किस तरह से अंजाम तक पहुँचाया जाएगा इन सारी चीज़ों? जी देखिए, जो मैं पहले उस बात का जिक्र करना चाहूँगा जो आपने कहा कि स्थानीय राजस्थान पुलिस की जो है वो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी रही, भले ही मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन जब सर्किट हाउस में जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री थोड़े समय से रुके, लेकिन उनका पूरा फोकस जो है उस रिपोर्ट के ऊपर था जो कि कन्हैया लाल ने धानमंडी थाने में लिख के दी थी, और उसमें जो उसने आशंका जाहिर की थी कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मेरी हत्या हो सकती है, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उस रिपोर्ट पे पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और वही रिपोर्ट CM अशोक गहलोत ने उस बैठक में पढ़ के सुनाई। IG हिंगलाज दान और SP मनोज कुमार वहाँ पर मौजूद थे, उनको पढ़ के सुनाई पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने पढ़ी है और कहा कि जब अगर एक व्यक्ति को इसको कन्हैया लाल को पता था कि उसके ऊपर हमला हो सकता है, उसकी जान से मारा जा सकता है, वो इतना चिंतित था तो पुलिस ने उसके प्रति गंभीरता क्यों नहीं दिखाई। तो ये मैसेज साफ मीटिंग में मुख्यमंत्री देखे गए कि केवल एक या दो व्यक्ति को नहीं, संभवतया एक बड़ा मैसेज जो है आने वाले आज शाम को या कल तक मुख्यमंत्री दे सकते हैं, क्योंकि उनके मन में वो तमाम चीज़ें हैं कि अगर पुलिस समय पे अगर जग जाती तो इस घटना को रोका जा सकता था, वो चीज़ यहाँ पर मुख्यमंत्री मैसेज इस मीटिंग के माध्यम से देखे गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये मैसेज दिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, क्योंकि वो लगातार संवेदनशील इस पूरे मामले में बने हुए हैं, गंभीरता शुरू से इस पूरे मामले में दिखाते आ रहे हैं। जिस दिन ये घटना हुई थी DGP ML लाठर को उसी वक्त उन्होंने बात करके निर्देश दिए थे कि तत्काल इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाए, और कुछ घंटों में हमने देखा भी अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, पूरे राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया। उसी रात बैठकों का दौर चला, पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, और उसी का असर है आज हम सकारात्मक परिणाम यहां पर देख रहे हैं कि काफ़ी शांति के साथ में ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर आदमी आक्रोशित है, जिसने वो वीडियो देखा है या नहीं भी देखा, उसने भी इस मामले के बारे में जब सुना तो वो आक्रोशित जरूर नजर आया, लेकिन उदयपुरवासी हमेशा से शांति के प्रतीक रहे हैं, यहाँ की संस्कृति शांति की रही है। लगातार मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि शव यात्रा में हजारों लोग जमा हुए लेकिन शांति दिखाई, आज के शांति मार्च में हजारों लोग जमा हुए ये शांति दिखाई, लेकिन वो आक्रोश जो यहाँ पर था उसको कहीं ना कहीं उन्होंने गलत तरीके से बाहर नहीं आने दिया। यहाँ पर वो अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके से उदयपुर के लोग रख रहे हैं कि जो अपराधी हैं, जघन्य अपराध किया है, उनको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मांग वो एक अच्छे तरीके से यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। परिजनों ने अपनी मांग रखी, CM अशोक गहलोत से जब वो मिले उन्होंने कहा मुआवजा राशि सबसे पहले 35 लाख की जो बात हुई उसको बढ़ाकर के बाद में सरकार ने 50 लाख कर दी, उसको बढ़ाने के लिए 1 करोड़ तक की मांग वहां पर लोग करते नजर आ रहे थे। सरकारी नौकरी की जगह फिलहाल ये कहा गया कि अभी संविदा पर उनके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसको यहां पर सरकारी नौकरी देने की मांग रखी गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहां पर आश्वासन दिया कि इसको लेकर के वो मीटिंग करेंगे, उसके बाद में फैसला लिया जाएगा कि आखिर आगे क्या किया जा सकता है। काफी संख्या में मेरे साथ यहां पर आमजन उदयपुर के लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी कहूंगा शांति के साथ अपनी बात यहां पर रखे, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का आक्रोश है, लेकिन आप फिर भी शांति यहां के लोग बनाए हुए हैं, आगे किस तरह की क्या रणनीति रहेगी बताइए। जी सर, शांति तो इसलिए बनाए रखी है कि हम हिंदुत्व हैं, हिंदुत्व धर्म को निभाते हैं, और दूसरी बात यह कि जो ये जघन्य अपराध हुआ है उसको सहने वाला नहीं है, और ये शांति जो दिख रही है हो सकता है अशांति में बदल दें, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सजाए मौत अगर उनको होती है तो फिर उम्र भर शांति बनाए रखेंगे। सरकार की आप बात कर रहे हैं, सरकार से चाहते क्या है, अब क्या मांग है आप? सरकार से मेन मांग है कि प्रशासन ने जो लापरवाही की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, जो अभी तक सरकार ने नहीं लिया। एक ASI को आपने निलंबित कर दिया, उससे कोई संतुष्टि नहीं होने वाली, उदयपुर की जनता नहीं रुकने वाली। आपने किसी के परिवार को एक मजाक में लिया, उसको राजीनामे में बिठाया, उसने अपनी गंभीरता बताई, 6 दिन तक दुकान नहीं खोली उस बंदे ने, तो उसको इनको हार्ट लेना चाहिए था, लेकिन मंडी प्रशासन
और पुलिस प्रशासन की और जो ये प्रशासन की लापरवाही रही है इसको लेके अशोक गहलोत को हार्ड डिसीजन लेना चाहिए था जो आज तीन दिन में नहीं लिया है। समाधान हो सकता था, आप समाधान की बात, समाधान ये हो सकता था सर कि जो उस कन्हैया लाल जी ने जो रिपोर्ट दी थी, कन्हैया लाल जी ने जो रिपोर्ट दी थी उस पर तुरंत एक्शन देना चाहिए था। हो सकता है सर, अब क्या, अब ये समाधान है कि इनको सख्त से सख्त सजा मिले और उनके जो जितना भी इसका रैकेट है उस रैकेट को स्कैम किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए और उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाए जो इन दोनों अपराधियों के खिलाफ की जा सकती है और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि आगे बहुत बड़ा मैसेज जाना चाहिए आगे। आपका आक्रोश लगातार मैं देख रहा था, किस तरह के आक्रोश के साथ में शांति से अपनी बात कहना चाहेंगे? शांति से बात ये कहना है कि सबसे पहले सजा तो मिलना कानून का काम है, बट पुलिस की जो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लापरवाही के साथ अब जो दूसरे जो लोग हैं जिसको थ्रेडिंग दी गई उसकी सुरक्षा, उसके परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें और शहर में शांति बनाने की अपील करने की प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और उदयपुर के सभी लोगों में मैं यही देखता नजर आ रहा हूं, लगातार तीन दिन से यही चीज यहां पर देख रहा हूं कि किस तरह से शांति के साथ अपनी बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। अविनाश यहां पर रिपोर्टिंग करते हैं उदयपुर में, आप किस तरह से देखते हैं उदयपुर की संस्कृति को, क्योंकि इस तरह की संस्कृति नहीं रही है, यहां पर्यटन नगरी के रूप में यहां जाना जाता है, पर्यटन यहां प्रभावित होता है, इस तरह की घटनाएं होती है, लोग खुद चाहते हैं वापस से वो पर्यटन इसी तरह बरकरार रहे। ये जो एक छोटी सी घटना मान सकते हैं कि ज्यादा उपद्रव नहीं हुआ, लोगों ने शांति बनाए रखी, लेकिन फिर भी कम से कम 1.5 से 2 महीने पर्यटन नगरी को फिर से उबरने में लग जाएंगे, क्या देखते हैं यहाँ का? हाँ जी बिल्कुल, उदयपुर की अगर रीढ़ की हड्डी कहें अर्थव्यवस्था की तो वो पर्यटन व्यवसाय है और पर्यटन इसलिए यहाँ आना पसंद करते हैं कि यहाँ पे शांति है और कई सर्वों में ये आया है कि महिलाओं के घूमने के लिए भी अगर प्रदेश का सबसे सुरक्षित शहर है या देश का सुरक्षित शहर है वो उदयपुर है। इस तरह की घटना हुई है, इससे कहीं ना कहीं पर्यटन जो क्षेत्र जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है, कई होटल्स में जो बुकिंग्स जो थी वो कैंसिल हुई, लेकिन पिछले अगर 2 दिन का हम प्रदर्शन देखें या 3 दिन का जब घटना के बाद का प्रदर्शन देखें उसमें कोई एक बड़ा उपद्रव नहीं हुआ, लोगों ने अपना रोष व्यक्त जरूर किया लेकिन आगजनी की बात करें या तोड़फोड़ की बात करें वो नहीं हुई, तो एक मैसेज जरूर गया है कि उस घटना को लेकर उदयपुर वासियों में बिल्कुल शरद कहीं ना कहीं संदेश जो है शांति के जरिए देने की कोशिश हुई है। और जैसा उदयपुर का आपने भी जिक्र किया, अविनाश ने भी जिक्र किया कि लोग चाहते तो हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए लेकिन वो ये भी जानते हैं कि यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब है वो कायम रहना चाहिए, जो पर्यटन उद्योग है प्रभावित नहीं होना चाहिए, लोगों के जीवन पर जो इसका नकारात्मक असर ना पड़े इसको मद्देनजर रखते हुए वो लोग तमाम मांगे कर रहे हैं। उम्मीद भी यही है क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने भी इस तरह के सकारात्मक उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अविनाश का।